यार पूरा का पूरा चेंज हो गया है तो। पर यार मजा आ गया देख के ना, इकलौता पाकिस्तानी गेंडा नहीं यार हिंदुस्तानी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू योर फेवरेट चैनल। अब फेवरेट तो नहीं पता, बट वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम आए हैं जॉर्ज एवरेस्ट। तो आज ऐसी संडे था, गर्मी होने लग गया यार देहरादून में, एक बात माननी पड़ेगी। बट यहाँ आके मौसम बिल्कुल बदल चुका है, काफ़ी ठंडा है नीचे के हिसाब से। तो देहरादून में तो यार गर्मी पड़ने लग गई, इतनी भीड़ भड़ाका हो गया देहरादून में। और यहाँ खुद संडे हमने सोचा था आराम से, भीड़ इतनी हो रही, गाड़ी लगाने में दिक्कत हो रही है नीचे। हालत देखो इसकी, टोटली फाइन। क्या हो गया राशि? बस 1.5 किलोमीटर ही है चढ़ने के लिए, और उसमें भी इसकी हालत देखो। अरे यार कंटिन्यूअसली चढ़ाई है, और ऊपर से इसका वैसे इसका वेट भी थोड़ा कम है, मुझसे कम भाई इतना ज़्यादा भी नहीं है, पर हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत है चढ़ने के लिए। तेरे क्या हाल है छोटे? छोटा थक चुका है। आई एम नॉट फिनिश्ड येट, I can continue। डोगेश वो भी इतनी सुंदर जगह पे आराम से मज़े लेते हुए। यार पूरा का पूरा चेंज हो गया है तो, ये देखो नई बिल्डिंग, ये ग्राउंड पूरा, और वहाँ ऊपर भाई संडे को इतनी भीड़ हो रखी है, दिख रहे होंगे तुम्हें लोग। जो भी करा है काफ़ी बढ़िया है, मतलब साफ़ सुथरा हो चुका है, और मोबाइल टॉयलेट वगैरह सब चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड कर चुके हैं। अब थोड़ा अगर इसके टिकट के पैसे पड़ेंगे तो वो भी सही है। गाड़ियाँ ऊपर नहीं आने दे रही, ये भी एक बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है थोड़ा पैदल चल के, बट एटलीस्ट लोगों को कुछ देखने के थोड़ा चलना पड़े। 1 किलोमीटर ही है, इतना कुछ ज़्यादा अंतर होगा नहीं, तो अच्छा ही है। और भाई दिन में देखो चाँद दिख रहा है, क्या बात है, बढ़िया लग रहा है। यार मज़ा आ रहा अब तो देखने में। हवा चल रही होगी, तुम लोगों को शायद से आवाज़ ना आए ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है। ओ भाई बहुत बढ़िया बना चुके हैं वैसे यहाँ पे, पसंद आया यार काफ़ी बढ़िया है, मतलब अच्छा है। थोड़ा सा चलना पड़ेगा, अब यार चलना तो पड़ेगा, रोप वे थोड़ी बनवा देंगे यहाँ पर, हो सकता है। वैसे सुरकंडा में रोप वे शुरू हो चुका है, और बहुत जल्दी थोड़े टाइम बाद बन जाके देखेंगे। तो कुछ नहीं है अभी यहाँ का, पर सही है सड़क बना दी उन्होंने, पहले तो ऐसे ही जाना पड़ता था, बढ़िया है। और यहाँ पे मजा भी बनाया, ये ट्रैक वगैरह कुछ नहीं था पहले, ऐसे पत्थरों के ऊपर ऊपर से जाना पड़ता था, अभी एटलीस्ट डिफाइंड पाथ तो बना दिया है उन्होंने, जा सके। संडे तो भाई अपना बन गया, बढ़िया संडे सही निकल गया, अच्छा है। पर यार मजा आ गया देख के ना, पहले के हिसाब से व्यू पॉइंट वगैरह भी बनाया है। तो अभी चलने पे लगे हैं, आपको और चीजें दिखाते रहेंगे ऊपर जाके। और यहाँ आना तो यार एक बार बनता ही है। हाँ जरूर, अगर कभी भी आप लोग देहरादून आओ या बाहर से कहीं से भी आओ, और देहरादून के पास हो या मसूरी आ रहे हो, तो मसूरी के पास ही जॉर्ज एवरेस्ट जरूर आना, क्योंकि अब काफी अच्छा हो गया। शायद से म्यूजियम भी खुल जाएगा कुछ ही टाइम में,
तो यू मस्ट गिव इट अ ट्राई बिकॉज आई नो यू लाइक इट फॉर श्योर. राशि पूरी तरीके से कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, जैसे आप लोगों ने देखा ही था केदारनाथ वाली वीडियो में. इकलौता पाकिस्तानी गेड़ा नहीं यार, हिंदुस्तानी यार. बहुत बढ़िया हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है उसे. कभी उड़ते हुए देखा है हाथी को? देख सकते हो. और पीछे वहाँ से शुरू किया था हमने. यार तुम लोगों को आवाज़ शायद से, हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, और मैं कैमरे को अगर ज़्यादा पास रखूँगा तो आधा कट के आऊँगा, और उतनी दूर में शायद तुम्हें हवा की ज़्यादा आवाज़ आ रही हो. ऐसे क्या फिसल गया मैं. ऊपर से भाई, ऊपर से व्यू तो कमाल का आ रहा है, बेहतरीन बेहतरीन और बेहतरीन. और यार वो चांद देखो. राशि कुछ कहेगी, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है. कुछ मज़ा नहीं आ रहा, थक चुकी है. हाँ खैर, वैसे 1-2 किलोमीटर है, इतना तो हम पहाड़ी बंदे हैं ब्रो, इतना तो हम चढ़ जाते हैं. डॉगेश बोटू उड़ी ऊपर. कहना चाहोगे तुम? क्या कहना यार, बहुत ही बढ़िया है, पर लोग एक से एक बढ़ के आते हैं. पता नहीं पीछे से यार टॉन्ट जो कसते हैं ना यार, कसम से, मतलब लोग पीछे से कह 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 कह. आई लिटरली हेट दैट काइंड ऑफ. देखो यार मौसम कैसा हो रहा है यहाँ पे. वेदर काफी बदल चुका है, पहले तो काफी अच्छा हो चुका है, सनी था वेदर, बट अब फिलहाल आप देख लो बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है. तो देहरादून के हिसाब से तो मौसम बदलता ही रहेगा, और बहुत ही ठंडा हो रहा है यहाँ पे. आए तो जैकेट ही लेके आए, ऊपर तो ठंडी हवा ही चल रही है फिलहाल. कौवा कह 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 कर रहा है. कौवा कह 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 ही करेगा. कौवा तो कह 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 करेगा, पर उसके अलावा लोग भी बहुत कह 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 करेंगे. मुझे तो मिले यार, मतलब लोग पीछे से इतना कमेंट करते हैं फालतू का, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ करते हैं और करते रहेंगे. सो मैं सुनता नहीं अब ज़्यादा किसी की, क्योंकि हर कोई लगा रहता है बोलने पे. काफ़ी सारे लोग होते हैं बोलते रहते हैं, वो गिव्स अ फक अबाउट देम, वी लिव इन अ लाइफ, वी डोंट केयर अबाउट दैम. असली बात यह है कि हमें मज़ा आया कि नहीं आया. हमें तो बहुत मज़ा आया, आप लोग बताना आपको ऊपर का व्यू जो दिखाया वो कैसा लगा. और अगर आप चैनल पे रिस्पॉन्स 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 के लिए क्या बोलना चाहिए? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आप लोगों का अच्छे से. अच्छा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ब्लॉगिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है इसके. ब्लॉग करना चाहिए नहीं चाहिए, या फिर मुझे सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ ही बनानी चाहिए? इट्स जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही होगा, इट्स ऑन योर विश. तो राशि कैसा है फाइनल इम्प्रेशन तेरा, क्या बोलना चाहेगी सबको? मैं तो बोलना चाहूंगी कि यार एक बार तो जरूर आओ यहाँ पे, बहुत ही मजा आ जाएगा यहाँ पे आके. बहुत ही अच्छा कर दिया है यहाँ पे, मुझे तो बहुत ही पर्सनली बताऊँ तो मुझे बहुत ही पसंद आया. यहाँ पे इतनी अच्छी रोड बना दी है, पहले तो ऐसी नहीं थी, और ग्राउंड बन गया है बीच में ऐसे पार्क टाइप का, और तुम ऊपर भी जा सकते हो. लेबोरेटरी थोड़े टाइम में खुल ही जाएगी, म्यूजियम तो भी खुल जाएगा कुछ ही टाइम में, और काफ़ी बढ़िया, मुझे खुद भी अच्छा लगा. बट हाँ वो ये एंड में कि लोग आते हैं जाते हैं और गंदगी फैलाते हैं, तो इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं यार, बट स्टिल
थोड़ा खुद ही लोग बिल्कुल नहीं रख पाएंगे। और तो बस ये जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार जब भी आओ तो अपना थोड़ा उड़ा बियर वियर जो भी पीते हो वो कम से कम उनके कैन तो लेके आओ, नीचे वही ऊपर फेंक दे तो फोड़ दे तो अच्छा नहीं है। तो बस बाकी तो सब कुछ बहुत बढ़िया था। और ये भी सही कर दिया उन्होंने गाड़ी नीचे लगाने का, क्योंकि ऊपर आओ थोड़ा ठीक है पता है ना, गाड़ियाँ गाड़ियाँ हो जाती हैं थोड़ा सा ऐसे में लोग खुश भी हो जाते हैं। और हम जब आए थे उस टाइम मौसम बिल्कुल अलग था और अभी बिल्कुल अलग है। तो जब भी आओ मौसम, हाँ यार यहाँ पे बहुत ही अच्छा कुछ लेके आना, बहुत ही मजा आया क्योंकि एकदम से मौसम बदल रहा है। जो देहरादून के लौंडे यार उनको तो पता ही है, उनका तो डेली का है सीन यहाँ का। बाकी फिर ओके बाय गाइज, और मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। बाय।